अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर सैयदा मारिया। सो आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी यूनिट वन इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। सो हम स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस से। इसमें लिविंग वर्ल्ड का मतलब होगा हम जानदारों की बात करें, और स्पेस का मतलब क्या होगा, वो जगह है जहाँ पर जानदार जो है वो दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं जी कि लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज इनॉर्मस इन साइज। इट हैज़ बीन रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ इट्स ऑरिजन ऑन दिस प्लैनेट। तो जैसे हमें पता है कि जो जानदार हैं वो दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, उनकी ह्यूज अमाउंट मौजूद है। ठीक है, और साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे जैसे दुनिया बनी है वैसे वैसे जो जानदार हैं, एक तो ये रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें ग्रेजुअली चेंज भी आता जा रहा है, ये इवॉल्व भी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जानदारों का नंबर जो है वो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा है। तो हम अगर देखना चाहें कि कौन सा जानदार दुनिया में कहाँ पर है, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने जानदार बनाए और उनको दुनिया में फैला दिया, तो अगर हम देखना चाहते हैं कि कौन सा जानदार जो है वो किस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट है, किस जगह पे फैला हुआ है दुनिया में, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बायोम। ठीक है, तो अब हम आते हैं बेसिक डेफिनेशन पे बायोम पे कि बायोम क्या होगी। सो बायोम इज एक्चुअली द लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट। ठीक है, प्राइमरीली का मतलब होता है मेनली, और क्लाइमेट का मतलब यहां पर होगा हम एनवायरमेंट की बात करें, हम वेदर की बात करें। अब इसका मतलब क्या होगा कि बायोम क्या होगी, एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी है। रीजनल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को बहुत ही सादे अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी जानदार आप देखते हैं या हम अपनी बात करते हैं, अगर हमने भी कहीं पर रहना हो, किसी नई जगह पर रहना हो, तो सबसे पहले हमारे लिए हमारे माइंड में एक मेन प्रायोरिटी होती है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की इन्वायरमेंट कैसे है, वहाँ का वेदर कैसा है, क्योंकि मेनली हमारी डिपेंडेंस हमारी क्लाइमेट पे होती है। इसके अलावा बाकी भी चीजें आती हैं, लाइक फूड स्टफ है, वो सब चीजें भी आएंगी, बट पहली चीज क्या होगी, क्लाइमेट। जैसे आप देखते होंगे कि आप स्टोरीज में सुनते होंगे जिसमें दिखाते होंगे कि पुराने टाइम पे लोग वो क्या होता था कि जब लोग मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाते थे और उस टाइम पे जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो अच्छी नहीं थी, तो फिर लोग क्या करते थे कि दरमियाने वो स्टे करते थे, और स्टे करने के लिए सबसे पहले वो देखते थे कि जिस जगह पे वो स्टे कर रहे हैं क्या वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की इन्वायरमेंट जो है वो उनके स्टे करने के लिए जो है वो अच्छी है, तभी वो वहाँ पर स्टे कर सकते थे। ठीक है, सो इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि बायोम जो है एक ऐसी बड़ी इलाकाई कम्युनिटी है जो कि बेसिकली मेनली किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे। ठीक है, और अदर जो फैक्टर्स होंगे वो फिर इसके बाद में इंक्लूड होंगे। सो हम कहते हैं कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मेजर टाइप ऑफ प्लांट डिटरमिन्स द अदर काइंड्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होगा, जैसे अभी मैंने अभी बात की अभी स्लाइड्स में जिसमें मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो बायोम है वो मेनली डिपेंड करती है क्लाइमेट पे। ठीक है, और दूसरा जो फैक्टर होगा जो कि जिस पे बायोम डिपेंड करेगी वो होगी बेसिकली फूड स्टफ। मसलन फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मेजर टाइप ऑफ प्लांट का जिक्र किया गया, तो हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक एरिया है, एक बायोम है जहाँ पर हम कहते हैं जी कि वहाँ पर जो है मेजर प्लांट्स हैं, लाइक वहाँ पर जो है वो वीट भी है, वहाँ पर राइस भी है, वहाँ पर कॉर्न भी है। ठीक है, तो ये फूड स्टफ है। तो जहाँ पर जो मेजर प्लांट अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी जगह पर ये मेजर प्लांट, ये वाले प्लांट ग्रो करें तो डेफिनेटली यहाँ पर और भी बहुत सारे जो छोटे प्लांट्स होंगे, दूसरी तरह के प्लांट्स होंगे, वो भी इस जगह पे ग्रो करेंगे। ठीक है, एक बात, और दूसरी बात है कि डेफिनेटली वहाँ पर भी वही एनिमल्स जो हैं, ज़्यादातर हमें वो एनिमल्स नजर आएंगे जो इस मेजर प्लांट पे डिपेंड करते हैं, लाइक दैट डिपेंड्स ऑन द राइस, वीट एंड कॉर्न। सो बेसिकली कोई भी जो बायोम होगी उसके में पहला क्या होगा कि पहले वो डिपेंड करी है, मेनली वो फोकस करती है क्लाइमेट पे कि वहाँ का वेदर कैसा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। और दूसरा वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पर मेजर टाइप के जो है वो प्लांट कौन से हैं। मेजर टाइप ऑफ द प्लांट का मतलब क्या होगा, वो तमाम तरह के पौधे जो कि खुराक का बाइस है, जिनको दूसरे जो है एनिमल्स जो है वो खाते हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पर मेजर टाइप ऑफ द प्लांट होंगे तो हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि वहाँ पे इससे रेलिवेंट छोटे छोटे पौधे भी मौजूद होंगे, प्लस साथ में वो तमाम जानवर होंगे जो कि उन मेजर जो है प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि बायोम का हम नाम कैसे रखते हैं। ठीक है, तो बायोम का नाम जो है उसके रखने के बेसिकली दो मेथड हैं। ठीक है, आमतौर पर देखा गया कि हम दो तरीके कार से बायोम का नाम रखते हैं। पहले हम बायोम का नाम रख सकते हैं टाइप ऑफ द मेजर प्लांट, यानी हम बायोम का नाम इस बेस पर भी रख सकते हैं कि किसी बायोम में किस तरह के पौधे हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे
एग्जांपल देखिए ग्रासलैंड बायोम। ग्रासलैंड बायोम का मतलब ये होगा कि यहाँ पर सिर्फ ग्रासेस ही हैं, तो हमने ग्रासेस के बेस पर हमने इस बायोम का नाम क्या रख दिया, ग्रासलैंड बायोम। और फॉरेस्ट बायोम की एग्जांपल ले रहे हैं, फॉरेस्ट बायोम का मतलब क्या होगा कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हमारे पास प्लांट्स हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है, बेशुमार हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन साथ रह रही हैं प्लांट्स की, तो हम उसको कह सकते हैं विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जिसके अंदर हमारे पास एंजियोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से, मॉसिस से लेकर ओवरऑल जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट्स आ रहे हैं, तो हमने उसका नाम रख दिया फॉरेस्ट बायोम। अब ये नाम हमने रखा बेसिकली उस बायोम में रहने वाले पौधों के नाम पे, ठीक है। और दूसरा जो हम बायोम का नाम रख सकते हैं, ऑन द मेजर फीचर ऑफ द इकोसिस्टम। समटाइम हम इन्वायरमेंट के बेस पे भी बायोम का नाम रख देते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट बायोम। अब डेजर्ट बायोम हमने इकोसिस्टम की बेस पे रख दिया, मतलब वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत हार्श है, वहाँ पर बारिशें जो हैं बहुत कम होती हैं, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, डेजर्ट बायोम। अब यहाँ पर हमने डेजर्ट बायोम जो नाम रखा है वो हमने प्लांट के बेस पर नहीं रखा, वो हमने इकोसिस्टम की बेस पर रखा। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने कोट किया है मैरीन बायोम की। मैरीन का डेफिनेटली मतलब क्या होगा, जो भी सॉल्टिश वाटर है, सेलाइन वाटर है, तो हमें इसे समझ आती है कि यहाँ पर हमने बायोम का नाम जो हमने इकोसिस्टम की बेस पर रखा। तो हमने बेसिकली कंक्लूड किया कि हमारे पास दो बेसिकली मेजर वेज हैं, दो हमारे पास तरीकेकार हैं जिससे हम किसी भी बायोम का नाम रख सकते हैं।